शांक्स और बगी वन पीस को पाने के रेस के अंदर उतर चुके हैं। जैसे ही वन पीस का फाइनल सागा शुरू हुआ, वैसे ही हमने देखा कि सारे के सारे कैरेक्टर्स एकदम से एक्टिव हो चुके हैं और अभी जो भी बंदा वन पीस के लास्ट आइलैंड लापटेल के ऊपर पहुंचेगा, वही इस वाले जनरेशन का नेक्स्ट पायरेट किंग कहलाएगा, जिसके अंदर सबसे आगे है अपने रेड हेड पायरेट्स और उसके पीछे ही अपने बगी समा की क्रॉस गिल्ड। क्योंकि अभी फिलहाल लुफी का क्रू तो एगहेड के ऊपर फंस चुका है, वहां पर उनकी सैटंग के साथ में फाइट चल रही है। और अगर हम बात करें ब्लैक बेर्ड पायरेट की, तो ब्लैक बेर्ड पायरेट एकदम से गायब भी हो चुका है, क्योंकि एक साइड पायरेट आइलैंड के ऊपर गार्प ने कुछ ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दी थी और वहीं पर गार्प को रोकने के लिए आधे से ज्यादा ब्लैक बेर्ड पायरेट्स बिजी है। और अपने ब्लैक बेर्ड पायरेट के कप्तान मार्शल डी टीच तो भाई लॉ का पीछा छोड़ने के बाद में एकदम से गायब हो चुका है। उस बंदे का हमको इतना कुछ पता नहीं रहता, वो कुछ टाइम पे क्या कर रहा होता है, ओडा सेंस से भी उसके बारे में हमको इतना कुछ दिखाते नहीं है। बस एगेड के स्टार्टिंग में हमको उसको दिखाया गया था, बाद में एकदम से वो गायब हो चुका है। और इन्हीं बातों का फायदा उठा के अपने मास्टरमाइंड बगी समा ने सोचा कि भाई चलो एक काम करते हैं, अपने क्रॉस गिल्ड के अंदर क्रोकोडाइल और मिहॉक तो आ ही चुके हैं, इन लोग की मदद लेके सीधा वन पीस ऑप्टिंग कर लेते हैं। क्या पता भाई हर बार की तरह लक लक के अंदर ही भाई अपने कैप्टन बगी समा एकदम से पायरेट किंग भी बन जाए। मजाक को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, लेकिन सच में भाई कैप्टन का क्रू अभी कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, जब से कैप्टन बगी समा ने अपनी क्रॉस गिल्ड को बनाया जिसके अंदर भाई अपना मिहॉक है और साथ साथ अपना क्रोकोडाइल भी है। मिहॉक की बात करें तो यहाँ पर वो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन माना जाता है वन पीस के अंदर। और दूसरे साइड में अपने क्रोकोडाइल भाई साहब, इस बंदे को भाई बैटल के अंदर उतरे हुए कुछ ज्यादा ही टाइम हो चुका है, अभी लगता है कि अपने क्रोकोडाइल भाई साहब कुछ ज्यादा ही तगड़ा वाला पावर अप लेके आएंगे। और अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा साइड में भी रख दे, फिर भी भाई बगी का क्रू तो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। और जब से बगी की क्रॉस गिल्ड बनी है, तब से बगी कुछ ज्यादा स्ट्रांग बनता जा रहा है, क्योंकि पहली बात तो है कि उसने सारे के सारे नेवी एडमिरल्स के ऊपर बाउंड्री लगा दी है। पहले ऐसा होता था कि भाई नेवी वाले सीधा पायरेट्स के ऊपर बाउंड्री लगाते थे, लेकिन इन लोग ने अलग ही सिस्टम लगा दिया, उन लोग ने सीधा भाई नेवी एडमिरल्स के ऊपर ही बाउंड्रीज लगा दी। इसकी वजह से भी भाई वन पीस के अंदर काफी ज्यादा बवाल मच चुका है, क्योंकि एक ओल्ड आदमी ने सीधा वाइस एडमिरल को मार दिया था बस एक टाइम का खाना खाने के लिए, क्योंकि उसके परिवार ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था और उसने देखा कि भाई अभी वाइस एडमिरल्स के ऊपर भी बाउंड्रीज लगनी शुरू हो चुकी है, तो उसने सीधा वाइस एडमिरल को ही मार डाला। तुम लोग ये थोड़ा सा सोच के देखो कि भाई नेवी का काम है कि उनको पायरेट से प्रोटेक्ट करना है नॉर्मल सिविलियंस को, लेकिन यहाँ पर अगर क्या हुआ कि भाई सिविलियंस ही उनके जान के पीछे पड़ जाए, तो यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि वो लोग भाई एक तो पायरेट को देखे या तो भाई नॉर्मल लोगों को देखे जो कि उनके जान के पीछे पड़ चुके हैं। और जब बगी ने क्रोकोडाइल और मिहॉक को बोला कि उसको नेक्स्ट पायरेट किंग बनना है, तो वहां पर उन लोग ने उसकी पिटाई करी। बाद में वो लोग भी बगी की बात मान लेते, क्योंकि उन लोग को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है भाई पायरेट किंग होने में, वो लोग तो भाई बगी के पीछे पीछे अपना काम चला रहे हैं। और जो लुफी की ग्रैंड फ्लीट है वो भी एल्बाक के ऊपर पहुंच चुकी है, वहां पर जाके वो शांक्स की टेरिटरी में उसके ही फ्लैग जला रहे हैं। और अभी पता नहीं भाई शांक्स ये सब देख के शांत रहने वाला है या वो लुफी से भी पंगे लेगा, क्योंकि उसने भाई मजाक के अंदर ही भाई किड के पूरे क्रू को एकदम से वन शॉट कर दिया। और अभी किड और लॉ वन पीस के रेस से काफी ज्यादा पीछे जा चुके हैं, क्योंकि इन दोनों के शिप एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यहाँ पर हमको किड का तो नहीं पता कि भाई शांक्स ने उसको जिंदा छोड़ा या नहीं, लेकिन दूसरे साइड में अपना लॉ मरते मरते बचा है, जिससे करके उसने ब्लैक बेर्ड से अपना पीछा छुड़ाया, लेकिन उसकी भी वहां पर शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अभी तो हमको कुछ चैप्टर के बाद ही पता चलेगा कि ये लोग किसका क्रू ज्वाइन करते हैं या फिर से अपनी वो शिप बिल्ड करते हैं। अब तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से हमको एगेड की एंडिंग देखने को मिल जाए और फाइनली हम एल्बाब के ऊपर पहुंचे, जहाँ पर भाई शांक्स हमारा वेट ही कर रहा होगा। लेकिन उसके पहले भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस उठ चुके हैं कि भाई ब्लैक बेर्ड क्या कर रहा है, वो गार्प के साथ में क्या करेगा, और अभी क्रॉस गिल्ड का फाइनल मूव क्या होगा, कि वो एल्बाब के ऊपर आएंगे या वो सीधा लापटेल के साइड में आगे बढ़ेंगे। शायद से हमको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर तो एल्बाब के ऊपर ही देखने को मिलेगा। बस अभी जैसे जैसे करके लुफी फाइनली एगेड से बाहर निकल जाए,